आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है राजस्थानी रसोई में। तो आज मैं तेने तिलचौत की कहानी सुना रही हूँ। तिलचौत की कहानी के साथ साथ मैं तिल का लड्डू बनाबा को आसान तरीको बताऊँ तो ते वीडियो ने पूरा देख जियो। एक सेठ और सेठानी है, बेकि कोई भी संतान नहीं। तो सेठानी बहुत ज़्यादा दुखी रह गई। एक बार पड़ोस की औरतें तिलचौत माता को व्रत कर रही, तो सेठानी देख के और पूछो कि थे कौन सा व्रत कर रही है और ये व्रत ने करवाऊँ काई फायदा होए। तो पड़ोस की औरतें सेठानी ने कियो कि वो चौथ माता का व्रत है और इन करवाऊँ अन्न धन पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होवे। तब तो सेठानी बोली कि मारे भी कोई संतान नहीं है, अगर मारे पुत्र हो जावे तो व्रत मैं भी जरूर करूँ। व्रत के साथ साथ मैं तिलकुट्टे का भोग भी लगाऊँ, 1.25 किलो तिलकुट्टू चढ़ाऊँ माता जी ने। तो तिलचौत माता भी पर कृपा करी और मुन्याई होती रहेगी, पर तिलकुट्टा का भोग नहीं लगायो। और तिलचौत माता से प्रार्थना करी कि हे चौथ माता, मारा पुत्र हो जावे तो मैं तेने 1.25 मिला 2.5 किलो को तिलकुट्टो और चढ़ाऊँ। तो गणेश जी और चौथ माता की कृपा से भी बहुत ही सुंदर पुत्र है जो पर बात तिलकुट्टो चढ़ावो भूल गई। जब वो लड़को बड़ो हो तो सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग लगाऊँ। तो गणेश जी और चौथ माता की कृपा से भी कि सगाई होगी और फिर ब्याह भी हो जो पर तिलकुट्टो नहीं चढ़ाए तो चौथ माता भी पे बहुत ज़्यादा कुपित होगी। तो और जब भी लड़का की बारात निकली तो चौथ माता गरजती घुराती हुई आई और 3 फेरा भी पूरा नहीं हुआ और भी लड़का ने उठा लेगी और गांव के बाहर को एक पीपल को पेड़ हो भी पर ले जा बिठा दियो। तो कुछ दिन बाद लड़की गणगौर पूछते समय भी पेड़ के पास से निकली तो वो लड़को आवाज़ दियो, आओ आओ मेरी अधि ब्याही नार आओ। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर गई और अपनी माता ने सारो हाल सुनायो। तो लड़की की बात सुनते ही घर का सभी लोग भागता हुआ पीपल के पेड़ के पास में पहुंच गया और देखा कि वो तो दूल्हो है और उसी बेस में बैठो है। तो सभी घर का लोग दूल्हा से पूछो कि थे अटक क्यों बैठा हो। दूल्हो बोलो कि मैं तो चौथ माता के गिर भी पड़ी हूँ, मेरी माता से जाकर कहो कि वे बोले हुए सारे तिलकुट्टे चढ़ाकर मुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जावे। तो लड़की की माँ लड़के की माँ के पास में गई और भी सारी बातें बताई। अब तो दोनों ही मिलकर 1.25 मन के तिलकुट्टा चढ़ाकर चौथ माता का व्रत और पूजन किए और माफ़ी मांगी। तो चौथ माता बिजली की झटके की तरह आई और विभिन्न उठार वापस फेरों के स्थान पर बैठा दियो। इस तरीके से भी बाकी को चौथों फेरों पूरे हुए और वर वधु राजी खुशी अपने घर पहुँच गया और चौथ माता की कृपा से सब अमन चैन हो जो। जय चौथ माता की। तिलचौत की दूसरी कहानी यानी गणेश जी की कहानी। दो देवरानी जेठानी ही, जेठानी के बहुत धन हो और देवरानी गरीब ही। देवरानी रोज जेठानी के घर पर काम करवा के खातिर जाती और बड़े जो भी मिलते भी हूँ अपनों घर चलाती। देवरानी चौथ माता को व्रत करी तो भी दिन भी को व्रत हो और पूरे दिन भूखी ही। जब शाम का भी को पति घर आयो तो बोलियो कि मैंने खाना डाल दे। तो वो बोली आज तो घर में खबाई खातिर कुछ भी नहीं है, पर मारो आज व्रत है तो मैंने गुड़ और तिल ला दियो तो मैं पूजा करूँ। तो ये पर भी वो पति बोलियो कि मारे खबा की खाते तो तेरे पास में कुछ भी नहीं है और तन तिल और गुड़ चावे भूख से मारी जान जा रही है। तो वो गुस्से में आर लकड़ी लकड़ी से मारी भी नहीं। तो वे दिन बाद चौथ विनायक को स्मरण कर भूखी सोगी। तो आधी रात में चौथ विनायक जी के सपने में आया और बोलिया कि साहूकार की बहू सो रही है या जाग रही है। तो वह बोली कि न तो सो रही हूँ न ही जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोलिया कि आज तिलचौत के कारण चूरमा और तिलकुट्टा खूब खाए हो तो निपटवा कहाँ जाऊँ बताओ। तो वह बोली कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, जड़े मन होवे ताको बड़े ही चला जाओ। तो विनायक जी महाराज भी का घर में घूम घूम कर सारी जगह ही दस्ते कराया। फिर क्यों भी उल्टी को मन हो रही हो तो कड़े करूँ बता। तो वह बोली कि मारा ललाट पर कर दो महाराज जी। तो गणेश जी महाराज भी का ललाट पर उल्टी कर कर चला गया। जब वह सुबह नींद से जागी तो देखियो कि पूरा घर में हीरा और मोती पड़िया है और भी को सिर पर हाथ पेरियो तो हाथ से मोती और सोना गिरा। तो दूसरे दिन वह गणेश जी और चौथ माता की कृपा से जेठानी के यहाँ पर काम करवा के खातिर नहीं जा पाई। तो वह अपने बच्चों ने चाची ने बुलावा खातिर भेजी। जब वह बच्चा चाची के घर आया तो चाची हीरे और मोती समेट भा में लाग जोड़ी और भी का सर भी चमक रही हो। तो वे माने जा रही होगी माँ माँ चाची के तो बहुत सारो धन हो गयो और वह धन समेट भा में लागी ओड़ी है तो आज काम पर नहीं आ पाई। बच्चों की बात सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर आई और पूछो कि इतो सारो धन कटो आयो। तो देवरानी भोली भाली ही वह सारी बात सचच बता दी। तो इतनी बात सुनते ही जेठानी भागी भागी वापस अपने घर आई और माघ मास की चौथ माता को इंतजार करवा लगी। साल भर बाद में वापस जब तिलचौत आई तो जेठानी भी तिलचौत को व्रत करी और अपने पति से कियो कि मैंने मारो।
तो वे पति कियो के बात भोली भाली गरीब ही जीव मार खाई पर थारे खाई कमी है जो तू मार खावे। ई पर बा कियो कि नहीं मन तो ते मारो। तो काई करे बेचारो भी पति लकड़ी ली और धीरे धीरे मार दी। मार खाकर बा सोगी। आधी रात में गणेश जी आया और बोलिया कि फालतू में मार खाने वाली उठ बता मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान है, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आपके जहाँ भी इच्छा हो बड़े ही चला जाओ। और पूरे घर में गणेश जी ने निपटना कर लिया। फिर गणेश जी बोले कि उल्टी कट्टे करूँ। तो वो बोली कि देवरानी के तो दो अंगुल का ही ललाट था, मेरे तो चार अंगुल का है, मेरे ललाट पे कर दो। तो गणेश जी करके चले गए। जब वह सुबह उठी तो भी घर में बदबू आ रही है, ललाट पे हाथ पेरी हो तो भी को हाथ भी गंदो हो गयो। जब गणेश जी भगवान से बोली कि हे महाराज, आपने मेरे साथ में छल खपड़ क्यों करो थे, तो इन देवरानी ने तो धन दियो और मन कूड़ो क्यों दियो। तब गणेश जी भगवान बोलिया कि तू तो धन के लालच में मार खाई। तब वे बोली कि आप अपना समेटा समेटो और माफ़ी मांगी। तब विनायक जी महाराज बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, तभी मैं अपनी माया समेटूंगा। तब जेठानी ने देवरानी को बुलाकर आधा धन दिया। मैंने संचय किया, तू ले। तब देवरानी ने कहा, मुझे तो चौथ विनायक जी ने दिलवाया है। फिर जेठानी बोली, महाराज जी अब तो अपनी माया समेटो। तो गणेश जी बोलिया कि अभी भी दो सुविधा का बाकी है, तू एक सुविधा को तू रख और एक अपनी देवरानी ने दे, तो मैं अपनी माया समेटूँ। तब जेठानी ने एक सुविधा को देवरानी ने दियो, तो भी घर पहले जैसो साफ पूजो। हे चौथ विनायक जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ में किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसो देवरानी ने धन वैभव दियो वैसो सभी के साथ कर जियो। के बाड़ा सुन बाड़ा हुकारा पर बाड़ा सभी की मनोकामना पूरी कर जियो। भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर जियो, आशीर्वाद बनाए रख जियो भगवान। तो अब मैं तेन तिल का लड्डू बनावा को तरीको बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तिल लेना है ना, अच्छे से साफ कर लेवा, फिर थोड़ा सेक लेवा, धीमी आँच पे ही सेकना है। ध्यान रखियो जल्दी सिक जावे तो ज़्यादा तेज नहीं रखनी है आँच ने, और बीच बीच में हिलाते रहना है। अच्छे से सेकवा के बाद में इन्हें बाहर निकालो, ठंडा उबगली रख देवा। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, गुड़ डाल देवा, गुड़ ने छोटे टुकड़ा में तोड़ फिर डालना है। ध्यान रखियो आँच ने थोड़ी धीमी रखनी है, गुड़ अच्छे से पिघल जाए तब तक गर्म करा। अब हम इलायची ने कोट डाल देवा। तो देख सको इस तरीका से गुड़ अच्छे से पिघल जाओ तब तक गर्म करना है, मैं कोई भी गुठलियाँ नहीं लेनी चाहें। अब हम तिल डाल दें, तिल ने थोड़ा पीस फिर डालना है, तो चाहो तो यान भी डाल सको, पर मिक्सी में पीसो तो थोड़ा दर दर ही रखना है। तो अच्छे से मिला दें मैंने, इस तरीका से एक जीव कर देना है। अच्छे से मिला दें, फिर इन्हें ठंडा उबगली रख दें, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो जाए फिर एक लड्डू बांध तैयार करा। ध्यान रखिए थोड़ा हल्का गर्म रहे तो ही लड्डू बन सके, नहीं तो बाद में का लड्डू भी नहीं बांध पाओ थे। तो हल्का गर्म में ये तरीका से का लड्डू बांधे तैयार कर लेना है। लड्डू तो छोटा बड़ा अपनी पसंद से बना तैयार कर सको। तो गणेश जी भगवान और तिलचौथ माता ने भोग लगा भाई खातिर ये तरीका से तिल का लड्डू बना तैयार करना है। तो जल्दी ही मिला एक नया वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखभाग लिया था, बहुत बहुत धन्यवाद।